तो जब बच्चे को ये सारी चीजें ही नहीं मिलेंगी तो घर में बच्चे का विकास कैसे होगा? घर में बच्चे का विकास तो रुक ही जाएगा। हेलो फैमिली, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि प्रेगनेंसी में एक गलती जो सीधा घर में बच्चे का विकास रोक देती है, और वो ऐसी गलती है जो आप डेली करते हैं। तो जानना चाहती है ना वो कौन सी गलती है जिससे आपके घर में बच्चे का विकास रुक सकता है? तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती जो आप अपनी प्रेगनेंसी में कर रही हैं वो है गलत पोजीशन में सोने की गलती। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में गलत पोजीशन में सोते हैं तो इससे सीधा घर में बच्चे के विकास पर फर्क पड़ता है, क्योंकि आप गलत पोजीशन में सोते हैं तो ना तो घर में बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, ना ही बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलती है ठीक तरीके से, और ना ही जो आपने खाया है वो मिल पाता है। तो जब बच्चे को ये सारी चीजें ही नहीं मिलेंगी तो घर में बच्चे का विकास कैसे होगा? घर में बच्चे का विकास तो रुक ही जाएगा, साथ में इससे आपकी डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए, कैसे नहीं सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने आप किसी भी पोजिशन में सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको पेट के बल नहीं सोना है, मतलब उल्टे नहीं सोना है, बाकी आप 1 से 3 महीने कैसे भी सो सकते हैं। अब आती है बारी 4 से 6 महीने। तो 4 से 6 महीने आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवट लेकर सोना चाहिए, पीठ के बल सोना बंद कर देना चाहिए। पीठ के बल आपको बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, मतलब सीधे बिल्कुल फ्लैट नहीं सोना चाहिए। करवट लेकर आप जैसे कि कभी दाएं करवट भी सो सकते हैं, बाएं करवट भी सो सकते हैं, लेकिन सोने की शुरुआत आपको 2nd ट्राइमेस्टर मतलब 4 से 6 महीने में हमेशा बाएं करवट से ही करनी चाहिए। जैसे आप अपने बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको बाएं करवट से ही शुरुआत करनी है, बाएं करवट ही आपको सोना है। अब सोते सोते आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, आप दाएं करवट ले लेते हैं या कभी सीधा सो जाते हैं, तो जैसे आपकी नींद खुलती है आपको पता चलता है कि आप सीधे सो रहे हैं, तो तुरंत करवट लेकर सो जाइए, ठीक है। तो आप 2nd ट्राइमेस्टर से दाएं या बाएं करवट सो सकते हैं, लेकिन शुरुआत बाएं करवट से ही करें, मतलब लेफ्ट साइड से ही करें, ठीक है। अब बात करते हैं 7 से 9 महीने की। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 7 से 9 महीने आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड करवट करके ही सोना है। लेफ्ट साइड मतलब कि अपने बाएं हाथ के तरफ ही करवट करके सोना है। इससे क्या होता है, घर में बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, घर में बच्चे का विकास अच्छे तरीके से होता है। बाएं करवट सोना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इससे घर में बच्चे को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड सप्लाई मिलता है, अच्छे तरीके से जो आप खाते हो वो मिलता है, मतलब बच्चे को पोषक तत्व मिलते हैं। इसीलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी के 7 से 9 महीने ज़्यादा से ज़्यादा केवल और केवल लेफ्ट साइड ही सोना है। थोड़ा सा राइट सोइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपको लेफ्ट साइड सोने की करनी है, मतलब बाएं तरफ सोने की करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में बच्चे का विकास सही तरीके से हो, बच्चे के विकास पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो आपको प्रेगनेंसी में एक सही पोजीशन में सोना चाहिए, गलत पोजीशन में नहीं सोना चाहिए। पीठ के बल आपको प्रेगनेंसी के 7 से 9 महीने बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ये मैं जो बात कर रही हूँ सिर्फ आपके भले के लिए कर रही हूँ, आपके बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए कर रही हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड सोने की कोशिश करें। तो मिलते हो आप सबसे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। बाय बाय, थैंक यू।